सोशल मीडिया पर गाय की हत्या का एक चौंकाने वाला वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक ट्रैक्टर चालक सड़क पर बैठी एक गाय को बेरहमी से कुचलते हुए नजर आ रहा है। वीडियो के साथ तंज करते हुए दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो छत्तीसगढ़ का है, जहां एक मुस्लिम ट्रैक्टर चालक ने गाय को कुचलकर मार डाला। वीडियो को ट्वीट करते हुए एक यूजर ने लिखा है, ये अब्दुल आखिरकार था कौन, पकड़ा गया या नहीं, छत्तीसगढ़। इसी तरह के दावों के साथ वीडियो को फेसबुक पर भी शेयर किया जा रहा है। इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने पाया कि वीडियो के साथ किया जा रहा दावा आधा सच है। ये वीडियो छत्तीसगढ़ का ही है, लेकिन ट्रैक्टर चालक के मुस्लिम होने वाली बात झूठी है। कुछ कीवर्ड की मदद से खोजने पर हमें इस मामले को लेकर दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट मिली। खबर के अनुसार ये वीडियो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का है, जहां 5 जून को ईश्वर ध्रुव नाम के एक ट्रैक्टर ड्राइवर ने एक गर्भवती गाय को रौंद दिया था। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। इस मामले की शिकायत बिलासपुर के सरकंडा थाने में हुई थी। खबर में ट्रैक्टर मालिक का नाम सोनू यादव बताया गया है। दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने सरकंडा थाना प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता से बात की। उन्होंने हमसे बातचीत में इस बात की पुष्टि की कि आरोपी मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू ही है और मामला सांप्रदायिक नहीं है। इस बारे में न्यूज 18 ने भी खबर प्रकाशित की है। खबर में बताया गया है कि घटना को अंजाम देते वक्त ट्रैक्टर चालक नशे में धुत था। घटना के कुछ घंटों बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। न्यूज नेशन की खबर के मुताबिक आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर ईश्वर ध्रुव ने गाय के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की बात स्वीकार की और अपना जुर्म कबूल किया। यहाँ ये बात साबित हो जाती है कि वायरल पोस्ट के जरिए भ्रम फैलाया जा रहा है कि गाय को एक मुस्लिम ने मार डाला। इस घटना में ट्रैक्टर चालक मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू है।